नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांधी संदेश रथ को विधायक लीना जैन और पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाई। विश्राम गृह परिसर से चलित रथ को रवाना किया गया। रथ में गांधी जी के कई चित्र और उनके संदेश लिखे हुए हैं। यह रथ गाँव गाँव जाकर गांधी जी के संदेशों को लोगों तक पहुँचाएगा। इस रथ में नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। रथ दिन रात चलकर 101 पंचायतों में जाएगा और गांधी जी के संदेशों का प्रचार करेगा। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि दूसरी विचारधारा के लोग भी मजबूरी में ही सही गांधी जी की बात करने लगे हैं, मगर उन्हें कहना पड़ेगा, खुल के कहना पड़ेगा कि जो गौड़से की बात करने वाले लोग वो किस दल के हैं, उनका नाता किस दल से है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि एक पार्टी के लोग गौड़से की मूर्ति की बात करते हैं, उनकी आरती की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मजबूरी में सही गांधी जी की बात तो कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कमलनाथ जी को कि उन्होंने गांधी दर्शन से पूरे मध्य प्रदेश के गाँव गाँव तक जो अलग फैलाया है, उससे युवाओं को, खासतौर से बच्चों को और युवाओं को गांधी जी के मामले में जानने का अवसर मिलेगा।